गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जो संज्ञा टॉपिक है उसका पहले हमने एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया है, उसको आपने देखा होगा। और उसके बाद में आगे संज्ञा का जो दूसरा पार्ट आता है, ये देखिए। आप देखिए फ्रेंड्स, जो संज्ञा होती है, संज्ञा कहते किसको हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आप हमारा जो पहला वाला जो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है संज्ञा का, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद में कंसेप्ट क्लियर होगा आपका संज्ञा का। और मैं वादा करता हूँ कि संज्ञा टॉपिक पढ़ाने के बाद में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, देख लीजिए आप। देखिए, जो संज्ञाए हैं इनका आपस में परिवर्तन होता है, एक दूसरे में परिवर्तन कर देते हैं इनके रूपों को। जैसे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसको जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं, और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना और भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो संज्ञाएं हैं मुख्य रूप से तीन होती है। संज्ञाएं मुख्य रूप से तीन होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है वो हमेशा एक वचन में आती है। किस में आती है? एक वचन में आती है। और जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं वो एक वचन में भी हो सकती है और बहुवचन में भी हो सकती है। लेकिन जो भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं वो सभी किस में होगी? एक वचन में होगी। उनका लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। और पुरुष कौन सा होगा? अन्य पुरुष होगा। ये इनकी मोटी मोटी पहचान है। देखिए, आपको जब मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ाया फर्स्ट पार्ट जो, उसमें ये क्लियर कर दिया था व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती है और भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है। देखिए, अब आज हम जो सीख रहे हैं वो संज्ञाओं का परिवर्तन सीख रहे हैं। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। देखिए, ज़्यादातर व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में आती है? एक वचन में आती है। उनको हम क्या कर दें, यदि बहुवचन में बदल दे तो क्या बन जाएगी? वो जातिवाचक बन जाएगी। जैसे रावण, आपको पता रावण, सिर्फ रावण आ जाता है। अगर एक शब्द दे दिया आपको रावण, तो आप क्या कहोगे, रावण कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर इस रावण का मैं, रावण किस में वचन की बात करें तो एक वचन में, अगर इसका मैं बहुवचन बना देता हूँ तो क्या हो जाएगा शब्द? रावणों। तो रावण तो क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर इसका बहुवचन बना दिया आपने रावणों, तो ये किस में चल जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बदल जाएगा। इसी प्रकार देखिए, एक हरिश्चंद्र अगर नाम आता, सिर्फ हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र आता है तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और अगर इस हरिश्चंद्र को मैं वाक्य में प्रयोग करता हूँ, आज के ज़माने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। देखिए, पहले का जो युग था उसमें एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए ये हरिश्चंद्र अगर सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध हो गए तो एक तरह से वो जितने भी सत्यवादी हैं उनके लिए हरिश्चंद्र का प्रयोग करते हैं। इसलिए किस में चल गई? वो जातिवाचक में। जैसे कुंभकर्ण, अगर सिर्फ कुंभकर्ण नाम आता है तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन वाक्य में दे दे, रवि परीक्षा के में पास होते ही क्या बन गया? कुंभकर्ण बन गया। तो कुंभकर्ण यहाँ पर किसके लिए आया है? अति निंद्रा के लिए। कोई व्यक्ति होता है ना, बहुत ज्यादा सोता है, तो जितने भी लोग ज्यादा सोते हैं उनको अब आज क्या कहने लग गए? हम कुंभकर्ण कहने लग गए। इसलिए वो किस में चल गया? जातिवाचक में। इसी प्रकार कंस अकेला आता, या सिर्फ उस कंस के लिए आता, जो कंस मामा थे उसमें महाभारत में, उस मामा के लिए आता है तब तो किस में रहता है? व्यक्तिवाचक में। लेकिन आज मैं कहता हूं रवि का मामा तो कंस हो गया, तो जितने भी जो दुष्ट मामा हैं उनके लिए कंस आता है, ठीक है। इसी प्रकार विभीषण का क्या हो जाएगा? विभीषणों कर दो, बहुवचन बना दो तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक। जयचंद का अगर जयचंदो कर दो तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक। इसी प्रकार अब इसका उल्टा कर लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। देखिए, आपको पता है पंडित, पंडित एक जाति होती है, लेकिन पंडित का मान लो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार आ जाए, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्या सेंटेंस क्या आएगा? पंडित जी हमारे देश के, ऐसे आ जाए,
पंडित जी हमारे देश के, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इस पंडित को नीचे अंडरलाइन करके दे दे और आपसे पूछा जाए कि भाई पंडित में कौन, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप ये रटके मत बैठ जाना कि पंडित तो एक जाति होती है और जाति करके आ जाओ इसको, नहीं, डिपेंड करेगा उस वाक्य के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे जो पंडित आया ना वो किसके लिए आया है बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया, किसके लिए आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आया। इसी प्रकार आ जाएगा अगर गोस्वामी आता अकेला, तो गोस्वामी तो एक गुसाई जाति होती है, गुसाई गोस्वामी, तो ये तो जाति में चल जाएगा। लेकिन वहाँ ऐसा आ जाए गोस्वामी जी ने, ऐसा आ जाए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, तब किस में चल जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री, अगर शास्त्री एक जाति होती है, अगर ऐसा आ जाए लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहे, तो किस में चल जाएगा, व्यक्तिवाचक में। इसी प्रकार सरदार अगर अकेला आता है तो सरदार तो क्या जाति है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए आ जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या आ जाए सरदार जी ने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किस में चल जाएगा, ये व्यक्तिवाचक में चल जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे बदलते हैं, और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में कैसे बदलते हैं। देखिए अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में है तो इनको क्या बना दो आप, बहुवचन बना दो, तो व्यक्ति जाति में बदल जाएगी, और जाति वाली को अगर बहुवचन में तो एक वचन में कर दो, तो किस में हो जाएगी, एक वचन में हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए आप जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, और भाववाचक संज्ञा से क्या बना सकते हो, जातिवाचक संज्ञा बना सकते हो। देखिए जब जातिवाचक संज्ञा से भाव, जब भाववाचक संज्ञाएं हम यौगिक रूप से बना रहे थे, जो भाववाचक संज्ञाओं का हम निर्माण कर रहे थे, तो उसमें एक तरीका बताया था कि जातिवाचक संज्ञा से भी आप क्या बना सकते हो, भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, वहां पे भी वो क्लियर हो गया था। जैसे चोर एक जाति है, इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या बनेगा, चोरी, ई प्रत्यय लगा दो, नारी से नारित्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, या फिर मानवता बन सकता है, मित्र से मित्रता। देखिए मित्र एक जाति है, और मित्र से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो क्या बनेगी, मित्रता बनेगी। इसी प्रकार देखिए यह हो जाती है। अब क्या आता है कि भाववाचक संज्ञाओं से आप किसमें बनाओगे, जातिवाचक संज्ञाओं में कैसे रूप बदलोगे इनके, आपको पता है भाववाचक संज्ञा किसमें आती है, एकवचन में आती है, इनको आप क्या कर दो, बहुवचन बना दो, तो क्या बन जाएगी, ये जातिवाचक बन जाएगी। देखिए कल मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बनाई थी, जो पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास क्रिया थी, क्या थी, क्रिया थी, इस पढ़ना क्रिया से हमने पहले कौन सी संज्ञा बनाई, भाववाचक संज्ञा बनाई, पढ़ना तो हमारे पास क्या थी, क्रिया थी, क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, पढ़ाई, क्या बनाई, पढ़ाई। देखिए क्रिया हमारे पास क्या थी, पढ़ाई, सॉरी क्रिया हमारे पास थी पढ़ना, पढ़ना से हमने भाववाचक संज्ञा क्या बनाई, पढ़ाई, और अगर इससे मैं जातिवाचक संज्ञा बनाना चाहता हूं, क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं से आप क्या बना सकते हो, क्या बना सकते हो, जातिवाचक, और भाववाचक संज्ञा किसमें होती है, एक वचन में होती है, अगर इसका मैं बहुवचन करूंगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ाइया, क्या हो जाएगा, पढ़ाइया, पढ़ाइया हो जाएगा। जब पढ़ाइया हो गया तो देखिए ये तो पढ़ाई तो किसमें, एक वचन में, पढ़ाइया किसमें, बहुवचन में, तो देखो पढ़ाइया तो हो जाएगी जातिवाचक, और पढ़ाई हो जाएगी भाववाचक, और पढ़ना था क्रिया। इसी प्रकार देखिए प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है, इससे अगर आप जातिवाचक बनाओगे तो क्या बनेगी, प्रार्थना है, ऊंचाई से ऊंचाइयां, दूरी से दूरियां, बुराई से बुराइयां बनेगा। तो ये थी किससे संज्ञाओं का आपस में रूप परिवर्तन कैसे होता है, ये था। अब थोड़ा सा और समझा देता हूं इसके बारे में। देखिए देखिए मित्रों जो संज्ञाए हैं इनके बारे में आपको हमने पढ़ाया, भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और भाववाचक संज्ञाओं का भी निर्माण करने हमने बताया था, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, जातिवाचक संज्ञा से क्या बना सकते हो, भाववाचक बना सकते हो, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, और विशेषण से भी बना सकते हो, और क्रिया से भी बना सकते हो, और अविकारी शब्दों से भी बना सकते हो।
लेकिन कुछ विद्वान हैं जो गणना के आधार पर, क्योंकि जो संज्ञा के भेद है इनमें मतैक्य नहीं है, विद्वानों में एकता नहीं है, देखिए अलग अलग मत है, तो कुछ विद्वान हैं वो गणना के आधार पर, किसके आधार पर, गणना के आधार पर, कभी एग्जामिनर पूछ ले गणना के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं तो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक गणनीय और दूसरा अगणनीय, अगणनीय। देखिए अब बात यही है, गणनीय कौन कौन सी संज्ञाओं को गिनी जा सकती है, वो जो आपको बताई थी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं और जातिवाचक संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञाएं हैं उनको हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो किस में आ जाती है, अगणनीयों में, और गणनीय में कौन सी आती है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, यानी कि गणना के आधार पर भी कुछ विद्वान संज्ञा के भेद कर देते हैं। थैंक यू मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।